दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। आज है दोस्तों मेले का दिन और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं और परवीन भाई जा रहे हैं मंदिर में भेंट लगाने के लिए। अभी भीड़ नहीं रहती है तो इसलिए हम सुबह जल्दी जा रहे हैं और आज हमारे यहाँ लोक गायक प्रीतम भटवान भी आने वाले हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। अभी मतलब उतनी भीड़ नहीं लगी है, कम कम लोग आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं ऊपर मंदिर में। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के खिरसू ब्लॉक के कंडारचू पट्टी में माँ भगवती का एक भव्य मंदिर यहाँ पे स्थित है, जहाँ की नवंबर और दिसंबर के महीने में ये मेला लगता है और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खाल भगवती के दर्शन करते हैं और यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लेके अपनी दुख पीड़ा को लेके आते हैं। हर साल न जाने हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और इस साल भी आ रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ ऊपर में देखिए आज एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फल फ्रूट का भंडारा करा रहे हैं भाई, थैली सैंड से आ रखे हैं कल रात से और पूरी रात यहीं पे रहे थे। और अभी देखिए यहाँ पे लोग आज से लगभग 10-12 साल पहले दोस्तों माँ बुंखाल कालिंका के मंदिर में पशु बलि की जाती थी। लगभग हजार यहाँ कई भैंसे मतलब काटे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया और परिवर्तन होता गया, लोगों की सोच में परिवर्तन होता गया, तो यहाँ पे बदलाव आया और अब पशु बलि को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही लोग अब माँ कालिंका में अपनी भेंट चढ़ाते हैं, मनोकामना करते हैं और डोलियाँ मतलब डोलियाँ चढ़ाई जाती हैं, तो ऐसा कुछ होता है। मेला दोस्तों एक तरीके का मिलन होता है, जिसमें कि लोग अपने माँ मतलब जो बेटियाँ जिनकी पहले शादी हो जाती थी तो वो अपनी माँ से मिलती थी और अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के आपको दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। मेला एक उत्तराखंड में मेला को एक उत्साह के तौर पे मनाया जाता है, जहाँ की ढोल दमों के साथ नृत्य करके लोग अपने मतलब खूबसूरत नृत्य करते हैं और इस तरीके से माँ बुंखाल भगवती को मतलब माँ बुंखाल भगवती के दर्शन करते हैं और साल का मतलब साल को अलविदा करते हैं। कुछ इस तरीके से होता है माँ बुंखाल कालिंका का मेला। और अभी दोस्तों दिन का टाइम होता है तो इसके बाद जैसे ही 3 बजते हैं तो 3 बजे के बाद माँ बुंखाल भगवती की डोलियाँ निकलती हैं अलग अलग गाँव से। जिन भी दोस्तों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं तो वो डोलियाँ निकालते हैं अपने गाँव से, तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे है दोस्तों माँ भगवती का स्थान। यहाँ पे दोस्तों लोग तेल भेंट वगैरह वगैरह यहीं पे अपना चढ़ाते हैं और यहाँ पे देखिए हर साल हवन भी किया जाता है। और उसके बाद मंदिर में पिछले साल तो लाइन लगी थी, लेकिन इस बार लाइन नहीं लगी है क्योंकि इस बार थोड़ा श्रद्धालुओं की संख्या कम है, क्योंकि उत्तराखंड में आज के दिन ही बहुत सारी शादियों के दिन हैं तो लोग थोड़ा कम आ रखे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और नज़ारा दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं खूबसूरत, चारों तरफ यहाँ नीचे नृत्य हो रहा है और दूर देखिए आप सड़क में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, ये मलुंड की तरफ से कुछ पौड़ी की तरफ से, तो यहाँ देखिए सड़क में भी जाम लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा मतलब लोग यहाँ आते हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। और आज का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत, सुबह मौसम थोड़ा वैसा हो रखा था लेकिन अभी मौसम